सौण महीने की संगरांद के दिहाड़े मौके सन 2000 नूं पवित्र काली बेई की कार सेवा संत बलवीर सिंह सिंचेवाल जी की अगवाई हेठ शुरू हुई सी। इन्हां 22 सालों के लंबे समय दौरान पंजाब विच वातावरण का मुद्दा केंद्र बिंदु विच आ गया है। इस संबंधी पवित्र काली बेई की कार सेवा की 22वीं वरेगंढ मनाई गई। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उचेचे तौर पर शिरकत की। सुल्तानपुर लोधी विखे पहुंचे मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान का संत बलवीर सिंह जी सिंचेवाल वालों निघा स्वागत किया गया। इस दौरान संत बलवीर सिंह जी सिंचेवाल वाले ने जिथे मुख्यमंत्री पंजाब नूं गंदले पानियां तों बचाउण दी अपील की, उत्थे ही उन्हां बुढ़े नाले अते काली बेई विच गंदा पानी आउण तों रोकण दी भी अपील की। इस मौके भगवंत मान ने काली बेई की 22वीं वरेगंढ मौके संत बलवीर सिंह सिंचेवाल जी नूं साफ सफाई करन ते पहलकदमी करन ते वधाई दित्ती। उन्हां कहा कि सानू सारिआं नूं श्री गुरु नानक देव जी दे दसे होए मार्ग ते चलण दी जरूरत है। इस दौरान बाबे नानक दी बेई किनारे शब्द नाद जथे विच शामिल रवाबियां भाई रणजोत सिंह, नवजोत सिंह अते सिमरनजीत सिंह ने तंती साजा नाल शब्द गायन करके पुरातन समय दी याद नूं ताजा कीता। समागम दी शुरुआत मौके संत अवतार सिंह यादगारी स्कूल दे बच्चियां ने रसभिन्ना कीर्तन भी कीता। पवित्र बेई साफ होवे सो गुरु पातशाह ने कृपा कीती, ओ हौली हौली जिवें गुरु पातशाह ने ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 22 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ 9 ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪੈਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं है। अज एक उस पवित्र कारज लई इत्थे मैं हाजरी लगाउण आया जिहड़ा कि 22 साल पहला संत बाबा सिंचेवाल जी ने शुरू किया। वह पवित्र बेई जिथे गुरु नानक साहब ने इशनान किया 14 साल तो ज़्यादा, 14.5 साल तो ज़्यादा समा इतने रहे, ते जे वही साडे तो नहीं संभाली जाओगे तो फिर जिस तरह बाबा जी ने कहा आने वाली पीढ़ियां नूं असीं की जवाब देवांगे, शर्मनाक होवांगे। उन्हां की धरती भी उही है, पानी भी उही है, कोई ये नहीं है कि इत्थे कोई मिट्टी बदल गई, सब कुछ वही है, नीयत बदल गई, पर रुखां नूं प्यार करन वाली नीयत आ गई। सुजीत पात्र जी ने लिखिया इत्थों मेघ आउंदे भी मुड़ गए, इत्थों मेघ आउंदे भी मुड़ गए, इत्थों पंछी सारे उड़ गए, इत्थे करन अजकल दरख्त भी, इत्थे करन अजकल बिरख भी, किते होर जान दे मशवरे। मतलब साडे दरख्त भी सलाह कर रहे ने किते होर चलदे आ यार, ये तो आपां नूं जिउणे ही दिंदे। सो इस करके मेरी बेनती है, तुहानूं अपील है कि जिथे हो सकता है दोस्तां नूं रिश्तेदारां नूं मित्रां नूं दसो कि यार दरख्त लाउणे ने। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਲੇ ਬੇਰੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਨਿੰਮ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੁਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਐਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਤੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਾਫ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ 500 ਕਿੱਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ।
क्योंकि पानी का कुदरती बहार रोकता, वह रोकता तो फिर वह पिछे खड़ूगा तो बहुता फिर कुछ करूंगा। असी कुदरत बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कुदरत फिर आपका रंग दिखाई है। मैं एग्जाम्पल दिना, अगे लंघन की दौड़ च पै गए, ये नहीं पता करते कि इस दौड़ दे विच अगे लंघांगे तो अपने बच्चों लिए की छड़ के जावांगे। असी अपना कूड़ा कंधे परले पासे सुट के ये कह दें कि असी सफाई करती, पर कंधे परले पास तो कंध पाता ना। सो सानू अज लोड़ है वातावरण संभालन की। तुसी देख लो करोना वेले ऑक्सीजन की किमें त्राही त्राही मची सी, सिलेंडर नहीं मिलते सी, सह लैन वास्ते सानू अज ऑक्सीजन सिलेंडर च लभनी पै रही है। तो जेड़े ऑक्सीजन हवा च छड़दे ने कार्बन डाइऑक्साइड नू समो लेंदे ने उन्हां नू असीं वड्डी जांदे आ। और दुख की गल यह कि पिछले अरसे दौरान जिन्होंने बागों के माली लाया उन्होंने बाग उजाड़े। ए तो बद दुख की गल नहीं हो सकती कि जिन्होंने असी सांभ संभाल का जिम्मा दिता उन्होंने बेचते हो। लोहे की ते सोने की दुकान बाजार दे विच आमो सामने सी। सोने ने लोहे नू कहा कि दोस्त थौड़ा तेरे भी वजदा लोहे का, थौड़ा मेरे भी वजदा लोहे का, पर तेरी आवाज बहुत ज्यादा आउंदी है, अद्धे बाजार च तेरी आवाज सुनदी है। मेरी आवाज कदे दुकान तो बाहर सुनी है? तो लोहा कहता बिल्कुल सही गल है दोस्त, थोड़ा तेरे भी बजता लोहे का, थोड़ा मेरे भी बजता, मेरी आवाज ज्यादा आती है। क्योंकि यदा फर्क यह है तेनू थोड़ा लोहे का बजता, तू सोना है, वह तेरे लिए बगाना है। इस बगाने का काम ही दुख देना होंगे, बगाने का काम ही कुटना होंगे, इस करके तेरे लिए कोई खास गल नहीं। मेरी आवाज, मेरा दर्द, मेरिया चीकां ज्यादा ने, ज्यादा उच्चिया ने, मैनू मेरे आप से ही कुटते हैं।